बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ कोकोनट बर्फी। उसके लिए ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के देसी घी लिया है, आप मक्खन भी ले सकते हैं। ये 1 कप भर के मैंने ये दूध लिया, ये दूध खोए वाला दूध है। ये खोया मैंने घर में ही बनाया था, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा कुक कर दूँ। ये 1 कप भर के मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। ये मैं थोड़ा सा इसमें इलायची एसेंस डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मैंने 1.25 कप कोकोनट पाउडर लिया है, ये मैं डाल दी इसमें। और ये इतने ही 1.25 कप मेरे पास ड्राई मिल्क है, ड्राई मिल्क पाउडर है, ये मैं डाल दी। ये देखें माशाल्लाह से ये इसने पक गया, माशाल्लाह से पक गया। ये देखें ये छोड़ने लग गया। ये देखें इसको अब मैं ट्रे में निकाल के ठंडा करती हूँ, फिर मैं आपको इसके दिखाती हूँ। ये देखें ये किनारे छोड़ने लग गया घी। ये देखें ये देखें ये किनारे, ये देखें। बस इसको मैं ट्रे में निकाल रही हूँ, चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये देखें ये मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए इसको मैं ठंडी कर लूँ, फिर इसके ऊपर बादाम वगैरह लगा के मैं आपको गार्निश करके फिर मैं दिखाऊंगी पीस काट के। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें बर्फी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए मैंने इसमें से काट ली थी थोड़ी सी, ये अभी अच्छी तरह जमी नहीं थी लेकिन फिर भी सेट हो गई थी। ये देखें, ज़रूर बनाएँ, ट्राई करें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।